और हमारा उत्तर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। अनलॉकिंग के तहत रियायतों का दौर शुरू, देश के कई हिस्सों में खुले धार्मिक स्थल, कई हिस्सों में अभी बंद। धार्मिक स्थलों के साथ होटल, सैलून, रेस्टोरेंट भी खुले, एमएचए की गाइडलाइन का करना होगा पालन, लापरवाही करने पर होगी कार्रवाई। आज से खुले महाकाल के द्वार, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को करानी होगी प्री बुकिंग, 89 दिन बाद बाबा के जयघोष के साथ अंदर पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे इंदौर, शपथ लेने के बाद शिवराज सिंह चौहान का पहला इंदौर दौरा, कोरोना योद्धाओं से की मुलाकात। पुलिस को चकमा देकर फरार हुए कैदी, जिला अस्पताल से भागते कैदी की लाइव तस्वीरें, भिंड में हथकड़ी खोलकर फरार हुआ कैदी। देश में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड उछाल दर्ज, लगातार पांचवें दिन 250 से ज्यादा मौत। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। चौथी बार मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद सोमवार को पहली बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिला स्तरीय समिति की बैठक की और बैठक में सीएम ने अधिकारियों से कोरोना को लेकर अपडेट लिया। सीएम ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बनाए गए सुपर स्पेशलिटी सेंटर का निरीक्षण भी किया। इस दौरान भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, मंत्री तुलसी सिलावट समेत भाजपा के सभी बड़े नेता मौजूद थे। यहां से सीएम अभय प्रशाल में निगम स्वास्थ्य कर्मियों से भी मिले। सीएम ने उनसे कोरोना के दौरान आने वाली समस्याओं को जाना और हर संभव मदद का वायदा भी किया। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सारथी जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा, हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां उन्होंने कोरोना वॉरियर से मुलाकात की और कोरोना शहीदों के परिजनों से मिले। परिजनों से मिलने के बाद क्या कुछ कहा, हम आपको दिखाते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 50 लाख रुपए के बीमा की योजना बनाई थी। मध्य प्रदेश ने तय किया कि बीमा के बजाय अगर ऐसी घटना होती है तो 50 लाख रुपए की सम्मान निधि परिवार को दी जाएगी। सास की सेवा में है तो आश्रित के परिवार के में जो आश्रित थे उनको नौकरी देने का प्रावधान किया है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन भी देने का प्रावधान है। ये वो परिवार हैं जिन्होंने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए अपनों को गवाया है। हम उनको वापस नहीं ला सकते,
लेकिन दुख की इस घड़ी में सरकार, मैं इन परिवार के साथ हूं। और मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को जमकर निशाना बनाया। मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस केवल सोशल मीडिया तक सीमित है, उनके मुख्यमंत्री कभी जमीनी स्तर पर काम नहीं करने गए। जो नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं उनसे फेसबुक अकाउंट भी नहीं चलवा पाएंगे। इमेज ही नहीं तो कंट्रोल काहे का है, मैं ये समझ ही नहीं पाया। मैं ग्वालियर, मेरा गृह है ग्वालियर से, जिले से मैं 4 बार विधायक रहा हूँ, 4 चुनाव वहां से लड़े हैं, 3 चुनाव दतिया से लड़े हैं, वो संभाग में शिवपुरी गुना से लोकसभा लड़ा हूँ। तो वो संभाग है, सबके यहाँ आते जाते रहते हैं। ये सभी वो लोग हैं जो हमारे साथ लंबे समय विधानसभा में रहे, मंत्रिमंडल में रहे, और सभी लगभग मेरे से उम्र में बड़े हैं, तो सबका आशीर्वाद लेने गया था, आशीर्वाद लिया आया। और मध्य प्रदेश गए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल निवासी वीरेंद्र मित्तू पर दुख जाहिर किया। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली मुंबई की सरकारों के द्वारा सिर्फ बातें ही की जा रही हैं, यदि सरकार काम कर रही होती तो इस प्रकार से 5 दिन भटकना नहीं पड़ता। बता दें कि डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि प्रदेश की सरकार ने देवेंद्र को समुचित उपचार देकर बचाने के समस्त प्रयास किए, लेकिन उपचार में अत्यधिक विलंब हो जाने के कारण उसे नहीं बचा सके। स्वास्थ्य सेवाओं की उसके आधार पर जनता को छला और चुनाव जीता। क्या है कि पहली बार आवश्यकता देश को पड़ी माननीय केजरीवाल जी की, काल्पनिक और कपोल कल्पित बातें, मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य सेवाओं की और उसके आधार पर जनता को छला और चुनाव जीता। और जब परीक्षा की घड़ी आई तो स्थिति ये है कि एक होनहार ने दम तोड़ दिया, क्योंकि दिल्ली में 5 दिन भटकता रहा इलाज नहीं मिला, और भटकता भटकता मध्य प्रदेश में आया जी। जहां इलाज किया तो विलंब हो गया था काफी जी। लेकिन वास्तव में आप देखें, चाहे दिल्ली हो चाहे बंबई हो। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। सारथी, जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा, हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर, अब बच के जाएगा किधर। कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपाड़ी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। खबरों का सारथी। अनलॉक 1 में रियायतों का दौर शुरू हो गया। देशभर में कई हिस्सों में धर्म स्थलों में भक्तों का आना शुरू हो गया, क्योंकि कई जगहों पर मंदिर मस्जिद खोल दिए गए हैं, लेकिन इस दौरान सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी भी हो गई है। लॉकडाउन के बाद खुले धार्मिक स्थल, देश भर के कई हिस्सों में खुले स्थल,
घंटे घड़ियालों की गूंजी आवाज। रियायतों के दौर में सावधानी जरूरी। घंटे घड़ियालों की आवाज, धार्मिक स्थलों पर दिखाई दे रही भीड़, बाबा के दर पर मत्था टेकने के लिए भक्तों की चाहत कुछ कहती है। दरअसल कोरोना काल में महीनों से इंतजार कर रहे भक्तों का आखिरकार इंतजार खत्म हो गया है। देश भर के कई हिस्सों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे खुल गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर अर्चना की। हालांकि इस दौरान गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन भी बखूबी किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। उत्तर प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धर्म स्थल खोले गए हैं। हालांकि प्रतिमा या धार्मिक ग्रंथों को स्पर्श नहीं करना होगा। एमपी के उज्जैन का महाकाल मंदिर खोल दिया गया है। हरिद्वार में श्रद्धालु हर की पैड़ी में स्नान कर सकेंगे। राजधानी दिल्ली में ज्यादातर धार्मिक स्थल खुल गए हैं। अहमदाबाद में मंदिर खोले गए हैं। वहीं सोमनाथ मंदिर में सिर्फ स्थानीय लोग ही दर्शन कर सकते हैं। बनासकांठा का अंबाजी मंदिर 12 जून से खोला जाएगा। यहां शिफ्ट में श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये छूट अभी देश में हर जगह नहीं है। कुछ जगह धीरे धीरे रियायत देने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के शिरडी साईनाथ में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हालांकि इस दौरान कोई लापरवाही ना हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। अब आपको ये भी बताते हैं कि कहां कहां मंदिर अभी नहीं खुलेंगे। मथुरा जिला प्रशासन ने वृंदावन स्थित बांके बिहारी समेत सभी मंदिरों को 30 जून तक बंद रखने का फैसला किया है। पंचकूला का प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर भी आज नहीं खुलेगा। मंदिर को 9 जून से खोलने का फैसला किया गया है। दिल्ली में मरघट वाले हनुमान मंदिर को भी आज श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोला जाएगा। महाराष्ट्र के भी कई धार्मिक स्थल नहीं खोले गए हैं। झारखंड के भी कई धार्मिक स्थल नहीं खोले गए हैं। एमपी के भी कई धार्मिक स्थलों पर ताला अभी लगा रहेगा। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अभी स्थगित ही रहेगी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ बाबा का दर भी नहीं खोला जाएगा। बहरहाल धार्मिक स्थलों में घंटे घड़ियालों की गूंज सुनाई देने लगी है, लेकिन धार्मिक स्थल पर जाएं सावधानी के साथ। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन जरूर करें, क्योंकि साधना के साथ कोरोना से भी बचना है। क्योंकि कोरोना के कहर की वजह से कई महीने तक मंदिर बंद रहे और अब खुल गए हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि मंदिरों में जनता कितना नियमों का पालन करती है। रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। माउंट लिटरेसी स्कूल मुंडाव, नंबर वन इन एकेडमिक्स, नंबर वन इन स्पोर्ट्स, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट रिजल्ट, स्मार्ट क्लासरूम, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ माउंट लिटरेसी स्कूल मुंडाव। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रमाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉनस्टॉप कवरेज जारी है। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं।